So, आज की वीडियो में कहीं से आप लोग इस वाले स्टेटस का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ तो कहीं स्टेटस बनाने के लिए आप लोग को एलाइट मोशन ऐप की जरूरत पड़ने वाली है अगर आप लोगों के पास एलाइट मोशन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आप लोग प्रिश इम्पोर्ट करना है सेक इफेट एंड एक बुक मार्क प्रिशर्ट ठीक है ना तो दोनों को इम्पोर्ट करने के लिए आप लोगों को क्रोम ब्राउजर में मेंस बी टेकवाइटी सर्च करना है फर्स्ट वाले वेबसाइट पे जाना है यहाँ पे कहीं से आप लोग को इस वाले वीडियो का पेज मिलेगा उस पर आप लोगों को विजिट करना है देन नीचे में आप लोगों को गो टू डाउनलोड पेज के ऑप्शन पे टैप करना है वहां पे टैप करते आप लोग इंपोर्ट करने का ऑप्शन है वो मिल जाता तो यहाँ से आप लोग को जो बुकमार्क एंड सेक इफेक्ट प्रिशिएट रहेगा दोनों को आप को इम्पोर्ट कर लेना है और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना वहां पर आप लोग एक वीडियो का लिंक मिलेगा कि मटेरियल डाउनलोड कैसे करें वो वीडियो देखकर भी आप यहाँ पर जो प्रशियेट है उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं ठीक है ना एंड यहाँ पे अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना मैं वहां पे आप लोग का रिप्लाई जरूर से करूंगा एंड प्रिशियट इम्पोर्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे एलाइट मोशन ओपन कर लेना है अब यहाँ पे एलाइट मोशन में आने के बाद किस यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आना एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोग जो दोनों प्रीसेट इंपोर्ट किए रहोगे वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को पहले जो बुकमार्क प्रीसेट है उसको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद किस यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप लोग अपने फोटोज को एड करना है ठीक है ना तो स्टार्टिंग में आ जाना है आप लोग को यहाँ पे प्लस पे टैप कर मीडिया पे आना और मीडिया में आने के बाद किस आप लोग जिस भी फोटो का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं वो फर्स्ट फोटो आप लोग को यहाँ से सेलेक्ट करना है एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पे थ्रेड और पे टैप करके फिल कंपोजिशन एरिया के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फिर इसके बाद आप लोग को यहाँ पे सत्रह सेकंड पे आना है ठीक है ना देखिए यहाँ पे एक डबल बुकमार्क देखने को मिलेगा सत्रह सेकंड पे तो यहाँ पे आना और यहाँ पे आने के बाद दी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना तो फोटो को कुछ यहाँ तक के रखना होगा ठीक है ना अब अभी हो जाने के बाद स्टार्टिंग में आना है यहाँ पे नाम वगैरह लिखना है पर इससे पहले इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं तो फोटो पे टैप करना यहाँ पे मोहन रोमफॉर्म पे आना इसको आप इस तरीके से स्लाइड वगैरह करना चाहो जिस साइड भी तो इस तरीके से आप कर सकते हो एंड ये हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे प्लस पे टैप करके टेस्ट पे आना है नाम लिखने के लिए गई आप लोग को सिंपली यहाँ पे जो भी आप लोग का नाम रहेगा यहाँ पे आप लोग को टाइप कर लेना है एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पे इसको पहले सेंटर में करना होगा तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप करना कॉर्नर में मिलता है ठीक है ना एक बार टैप करना है इसके बाद आप लोग को इसका जो कलर है वो चेंज करना है तो यहाँ पे टैप करना इसको मैं वाइट कर लेता हूँ जो भी आप लोग को सही लगता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसके बाद किस आप लोग को फोन चेंज करना है तो फंड के लिए आप लोग को यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप करना एंड यहाँ पे टैप करने के बाद व्यू ऑल फंड के ऑप्शन पे आ जाना यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे जो है देखने को मिल जाते हैं जो भी आप लोगों को सही लगते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो मैंने रखा था गाइस वो आप लोग रखना चाहते हैं तो आप लोग को सिम्पी यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे टैप करना है एंड यहाँ में आप यहाँ पे आप लोग को एक नाम शो कर दूंगा ठीक है ना उसको आप लोग को देख के सर्च करना है ये सर्च करने के बाद दिस आप लोग को यहाँ पे नीचे आना है ठीक है ना नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिलेगा देखिए रेलवे ब्लैक ऐसे करके कुछ है इस पर आप लोग को टैप कर देना है तो यहाँ पे जो फ्रंट है वो आ जाता है आप लोग को सिंपली जो साइज है वो बढ़ाना है तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप करना जितना आप लोग को सही लगता है वो आप लोग को रख लेना है ये करने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ से डन कर लेना है अब यहाँ पे कई कुछ बॉर्डर एंड सैडो देना है तो इसके लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है स्ट्रोक के लिए आप लोग को सिंपली इसको इनेबल कर देना है एंड यहाँ पे कई शेडो के लिए आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे टैप करने इसको आप लोग को इनेबल कर देना है ठीक है ना तो इसका जो काम है कंप्लीट हो जाता है इसको आप लोग देख लेना थोड़ा सा जो बॉर्डर आप लगा रहे होगा जो आप स्ट्रोक लगाया रहोगे इसको आप इस तरीके से कम ज्यादा कर सकते हो ठीक है ना अब ये हो जाने के बाद इसको आप लोग को बैक आना है यहाँ पे इफेक्ट पे आना एंड एड इफेक्ट पे आप लोग को आना है यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है फेड इन ठीक है ना तो देखिए इस तरीके से आ जाता है इस पर आप लोग को टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है यह हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली इस पर टैप करना है फिर से आप लोग को सत्रह सेकंड पे आ जाना है जहाँ पे डबल बुकमार्क आता है यहाँ पे आने के बाद किस इस वे ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है तो जहाँ तक फोटो रहेगा उसको भी आप लोग को यहीं तक के रखना होगा ठीक है ना अब ये हो जाने के बाद आप लोग को इस पर टैप करना है ठीक है ना जो आप नाम लिख रहे हो इस पर टैप करना यहाँ पे मू एंड ट्रॉम्फम के पे आकर के आप, आप लोग को यहाँ पे इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है एंड ये करने के बाद किस आप लोग को सिंपली इसका जो डुप्लीकेट करना है तो इस पर टैप करना है इस वाले ऑप्शन पर टैप करके डुप्लीकेट लेयर करना है एंड डुप्लीकेट करने के बाद आप लोग को ऊपर वाले लेयर पर टैप करना है मू एंड ट्रॉम्फम के ऑप्शन पे आना एंड आप लोगों को इसको इस तरीके से नीचे में लेके आ जाना है ठीक है ना तो यहाँ पे आप लोगों को सिटी का नाम लिखना है तो यहाँ से बैक आना पहले एडिट टेस्ट पे आना है इसको आप लोगों को पूरा मिटा देना है एंड जो भी सिटी रहेगा इस आप लोगों का वो आप लोगों को यहाँ से टाइप कर देना है ये करने के बाद आप लोग को इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको मैं थोड़ा सा जो छोटा कर लेता हूँ ठीक है ना तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हो एंड ये करने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ से डन करना है डन करने के बाद फिर से मू एंड फॉर्म पर आना एंड इसको आप जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहते हैं अच्छे से आप लोग को यहाँ पे कर लेना है इसके बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पे टैप करना है इस वाले ऑप्शन पे आना फिर से इसका डुप्लीकेट लेयर करना है एंड फिर से सबसे ऊपर वाले लेयर पे टैप करना मूव एंड ट्रॉम्फर्म पे आना इसको आप लोग को इधर लेके आना है यहाँ से बैक आना है एडिट टेस्ट पे आना है आप लोगों को एंड जो भी आप लोग का एज रहेगा वो आप लोग को यहाँ से टाइप कर लेना है ठीक है ना एंड ये करने के बाद इस यहाँ पे आप लोग को डन कर लेना है फिर से मूव एंड ट्रॉम फॉर्म पे आना है इसको भी आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है इसको आप थोड़ा बहुत और एडजस्ट करना चाहो तो इस पर सिंपली टैप करके आप लोग को कर लेना है ठीक है ना इसको मैं कुछ यहाँ पे कर लेता हूँ अब यह हो जाने के बाद आप लोग इसका जो काम है कंप्लीट हो जाता है इसके बाद दिस इसको आप लोग को सिंपली एक ग्रुप बना लेना तो ग्रुप बनाने के लिए कहीं आप लोग को पहले फोटो पे लॉन्ग प्रेस करना है बाकी के जो तीन लेयर है उनमें भी आप लोग को इस तरीके से सेलेक्ट करना है एंड चारों को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो यहाँ पे इसका जो ग्रुप है वो बन जाता है अब आप लोग कैसे यहाँ पे ग्रुप में कुछ एनिमेशन वगैरह देना है तो ग्रुप पे आप लोग को सिंपली टैप करना है यहाँ पे मो एंड ट्रॉम फॉर्म के ऑप्शन पे आना पहले आप लोग को जूम वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड नेक्स्ट वाले आप लोग को बुक मार्क पर जाने है तो बुक मार्क पर जाने के लिए आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है देखिए तीन सेकंड पे आ जाता है ठीक है ना अब आप लोग को यहाँ पे कहीं एक प्लस की देना है तो प्लस की देने के लिए आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है यहाँ पे की एड हो जाता है ठीक है ना यहाँ पे आप लोग को एक फिर से नेक्स्ट वाले बुक मार्क पे आना है यहाँ पे सात सेकंड पे ठीक है ना फिर से एक प्लस की देना है एंड प्लस की देने के बाद इसको आप लोग को इस तरीके से जूम कर लेना है तो जितना जूम आप करना चाहते हैं उतना आप लोग को कर लेना है इसको मैं लगभग कुछ इतना रहने देता हूँ ठीक है ना कुछ इतना कर लेता हूँ ये करने के बाद बिस आप लोगों को अब आगे आना है पूरा लास्ट में यहाँ पे लास्ट में आना है इसके बाद इसके जस्ट पहले वाले आप लोग को बुक मार्क पर आ जाना है यहाँ पे जो कि तेरह सेकंड पे है यहाँ पे भी एक प्लस की देना है आप लोगों को एंड यहाँ पे एक लास्ट में आ जाना है इसके ठीक है ना जो डबल बुक मार्क है यहाँ पे आना जहाँ पे ये ग्रुप एंड होता है एक और प्लस की देना है इसको आप लोग को इस तरीके से जूमआउट कर लेना है तो पूरे स्क्रीन में आप लोग को इसको एडजस्ट कर लेना है ठीक है ना जितना स्टार्टिंग में रहेगा एंड ये हो जाने के बाद इसका जो काम है कंप्लीट हो जाता है इसको आप लोगों को थोड़ा सा कर्व देना है तो दोनों की के बीच में ही रहना है आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है इसको आप लोगों को इस तरीके से कर्व दे देना है फिर से उन दो की के बीच में आना है जो आप स्टार्टिंग में ऐड किए रहोगे देखिए ये वाला की एंड ये वाला तो दोनों के बीच में रहना है यहाँ पे भी एक इस तरीके से कर्व दे देना है तो ये हो जाने के बाद आप लोग को इसको यहाँ से बैक आ जाना है आप लोग को फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है यहाँ से कहीं से आप लोग इस वाले बुक मार्ग पर आ जाना है जो कि तीन सेकंड में रहेगा इस पर आप लोग एक प्लस की देना है अब नेक्स्ट वाले बुक मार्क पर आप लोग को आना है एंड इसको आप लोग को इस तरीके से जो भी आप लोग का नाम रहेगा उसको आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से लेके आ जाना है इतना करने के बाद फिर से नेक्स्ट वाले बुक मार्क पे जाना तो इस वाले ऑप्शन पे टैप करना जो भी आप लोग सिटी के नेम रहेगा उसको आप लोग को अब दिखा देना है ठीक है ना इस तरीके से अब कैसे आप लोग को फिर से नेक्स्ट वाले पे जाना है नेक्स्ट वाले बुक मार्क पे टैप करना है एक और प्लस की देना एंड जो भी आप लोग का एज रहेगा उसको आप लोग को इस तरीके से यहाँ पे लेके आ जाना है तो यहाँ पे इतना कर लेना ये हो जाने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ पे लास्ट में आना है एक प्लस की देना एंड इसको आप लोग को इस तरीके से अच्छे में अच्छे से सेंटर में एडजस्ट कर लेना है ठीक है ना तो इस तरीके से कर लेना है ये करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कर्व वाले ऑप्शन पे आना है यहाँ पे इस तरीके से इसको कर्व देना है यहाँ पे फिर से इस तरीके से आना है यहाँ पे फिर से कर्व देना है यहाँ पे फिर से आना है इसको भी सेम तरीके से कर लेना है ठीक है ना एंड यहाँ पे एक बार और आना है आप लोग को एंड यहाँ पे भी इस तरीके से कर्व दे देना है ये हो जाने के बाद भी इसका जो काम है ग्रुप का वो कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से बन जाता है ठीक है ना अब आप लोगों को यहाँ पे आगे में फोटो ऐड करना है तो जहाँ पे ग्रुप इंड होता है डबल बुक मार्क पर आ जाना है आप लोगों को और प्लस पे टैप कर मीडिया पैनल जो भी फोटो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो फोटो आप लोगों को सेलेक्ट करना है ठीक है ना तो इस तरीके से लेना इसके बाद आप लोग यहाँ पे जो डबल बुक मार्क आता है यहाँ पे आना है एंड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ये करने के बाद किस आप लोग इसको जो अलग अलग पार्ट में कट करना है बट इससे पहले आप लोग को इस पर टैप करना है यहाँ पे थ्री डॉट पर टैप करना फिल कंपोजिशन एरिया के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फिर आप लोग को इस यहाँ से मोहन ट्रॉम्फम पे आ करके इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे आकर के जूम वगैरह भी कर सकते हो ठीक है ना अब आप लोगों को सिंपली फोटो पे टैप करना है यहाँ पे नेस्ट वाले बुक मार्क पे आना है तो इस वाले ऑप्शन पे टैप करना इसको बीच से कट कर देना है फिर से आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट वाले बुक मार्क पे आना है फोटो पे टैप करना बीच से कट कर देना फिर से नेस्ट वाले पे जाना है इसको भी आप लोगों को टैप करके इस तरीके से पूरा सभी को आप लोग को इस तरीके से कट करते जाना है ठीक है ना जितने भी बुक मार्क है सभी में आप लोग को अलग अलग पार्ट में कट कर लेना है अब ये होने के बाद फिर से आप लोग को जहाँ पे डबल बुक मार्क आता है यहाँ पे आना है प्लस पे टैप कर मीडिया पे आना एक और फोटो आप लोग को ऐड करना है थे और पे टैप कर फिल कम्पोइन करना है फिर से आप लोगों को यहाँ पे डबल बुक मार्क पे आ जाना है ठीक है ना देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे, पे आने के बाद आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है अब आप लोगों को फिर से इसको भी आप लोग को अलग अलग पार्ट में कट करना है तो नेक्स्ट वाले बुक मार्ग पर आना फोटो पे टैप करना इसको कट करना है फिर से नेक्स्ट वाले पे आना इस पर टैप करना कट करना है तरीके से आप लोग को कट करते जाना है ठीक है ना ये हो जाने के बाद दिस फिर से डबल बुक मार्क पे आना प्लस पे टैप कर मीडिया पे आना है यहाँ पे भी आप लोग को कोई सा भी एक फोटो सेलेक्ट करना है थ्री डॉट पर टैप कर फिल कंपोजिशन करना नेक्स्ट वाले बुक मार्क पे जाना एंड आगे का पार्ट आप लोग को कट कर देना है फिर आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सिंपली इसका जो काम है कंप्लीट हो जाता है वो आप लोग कोई यहाँ से बैक आना है अब यहाँ पे कई जो आप सेकंड प्रीसेट इंपोर्ट किए इम्पोर्ट सेक इफेक्ट वाले इसको आप लोग को ओपन करना है ठीक है ना एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले फोटो पे टैप करना है इफेक्ट पे आना थ्री डॉट पर टैप कर कॉपी इफेक्ट करना है यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है एंड फिर से बुक मार्क प्रिशेड ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद जो आप ग्रुप बनाया रहोगे उस पर आप लोग को टैप करना है इफेक्ट पे आना थ्री डॉट पे टैप कर पेस्ट इफेक्ट कर देना है इसके बाद आप लोग को यहाँ से बैक आ जाना है फिर से सेक इफेक्ट ओपन करना यहाँ पे ये यह ओपन करने के बाद सेकंड वाले पे टैप करना इफेक्ट पे आना थ्री डॉट पे टैप कर कॉपी इफेक्ट कर लेना है यहाँ से आप लोग को बैक आना है एंड फिर से बुकमार्क प्रीशेड ओपन करना है यहाँ पे जैसे आप लोग को आगे आना है ठीक है ना यहाँ पे जो डबल बुक मार्क आता है तो इस वाले डबल बुक मार्क वाले फोटो में आप लोग को देखिए डबल बुक मार्क आता है तो इस वाले फोटो पे टैप करना इफेड पे आना पे टैप कर पेस्ट इफेक्ट कर देना है यहाँ पे आगे आना आप लोगों को फिर से जहाँ पे डबल बुकमाग आता है इस वाले फोटो पे टैप करना है पे पे आना पे टैप कर पेस्ट करना है यहाँ पे फिर से आगे आ जाना है एंड जो डबल बुक मांग आता है पे इस वाले फोटो पे टैप करना है ईफेड पे आना पे टैप कर पेस्ट कर देना है अब ये हो जाने के बाद आप लोग को इस यहाँ से बैक आ जाना है फिर से जो सेकंड प्रिशेड रहेगा उसको आप लोग को ओपन करना है सेक इफेट वाले को यहाँ पे आप लोग को इस वाले लास्ट वाले फोटो पे टैप करना है इफेड पे आना थ्रेड और टैप कर कॉपी इफेड करना है यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है एंड फिर से आप लोग को बुक मार्क प्रश ओपन करना है यहाँ पे कहीं जितने ही फोटो आप बच जाते हैं ठीक है ना सभी में आप लोग को ये वाला इफेड को पेस्ट कर देना तो इस वाले में लग चुका है डबल बुक मार्क वाले पे इसके बाद वाले फोटो पे टैप करना है इेड पे आना थी पे टैप कर पेस्ट करना है फिर से नेक्स्ट वाले पे टैप करना है इफेड पे आना थीडोर पे टैप कर पेस्ट करना है फिर से नेक्स्ट वाले पे टैप करना एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर देना यहाँ पे कहीं जितने ही फोटो बचे हुए हैं ठीक है ना सब भी मैं आप लोग को ये वाला इफेड को अप्लाई कर देना है ये हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है फिर से सेक इफेक्ट ओपन करना है यहाँ पे जो दो लेयर आप लोगों को दिख रहा है दोनों पे आप लोग लॉन्ग प्रेस करना है इस वाले ऑप्शन पे टैप कर कॉपी टू लेयर करना है यहाँ से आप लोगों को बैक आ जाना है अब फिर से आप लोग को बुक मार्क ओपन करना है ठीक है ना स्टार्टिंग में ही रहना इस वाले ऑप्शन पे टैप कर पेस्ट टू लेयर करना है अब आप लोग को यहाँ पे में लास्ट में आना है लास्ट में आने के बाद दोनों लेयर पे आप लोगों को लॉन्ग प्रेस करना है ठीक है ना फिर से सेलेक्ट करना है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे कैसे जो एच डी आर इफेक्ट है वो लग जाता है यह हो जाने के बाद आप लोग का वीडियो जो है पूरा कंप्लीट बनकर रेडी हो जाता है और वीडियो पसंद आ तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस कर लेना है कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी अब आप लोग को सिंपली इसको एक्सपोर्ट तो करना है तो शेयर के ऑप्शन पे टैप करना एक्सपोर्ट पे आप लोग को क्लिक कर देना आप लोग का वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाता है तो चलेगा इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे